मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ का मतदान आज संपन्न हो गया है। 3 बजे मतदान संपन्न हुआ है। 135 मतों में से 130 मताधिकार का प्रयोग किया है यहाँ के सदस्यों ने। एक मत नहीं पड़ सकी है, देख सकते हैं वरिष्ठ कनिष्ठ सभी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद और मतदाता मौजूद। वरिष्ठ अधिवक्ता हसीन हैदर जानसठी भी खास तौर से वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रत्याशियों ने मतदाताओं से अपने पक्ष में मत मांगा है, आप देख सकते हो तस्वीरें। और आइए सीधा रुख कराता हूँ जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ, जो भी एक ऐतिहासिक तहसील है। यहाँ पर बार एसोसिएशन का मतदान कड़े मुकाबले के साथ चल रहा है। नगर के प्रथम नागरिक प्रवेश बढ़ाना जो कि चेयरमैन है, बरार संघ के सदस्य है, वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सभी ग्रुप उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उनको वोट दें। वोट किसको देंगे वो तो ही बताएंगे, बाद में पता चलेगा। बहरहाल मतदान शुरू हो गया है, सीधा रुख कराएंगे। अभी जो चुनाव अधिकारी अंदर बनाए गए हैं उनसे भी हम सीधा बात कराएंगे आपकी। मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के अंदर मतदान संपन्न हो गया। तहसील बार एसोसिएशन का आज मतदान था। यहाँ पर कड़े मुकाबले के बाद 3 बजे ठीक मतदान संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, अचल गोयल जो कि चुनाव अधिकारी थे, उसके अलावा 2-4 और उनके अन्य साथी थे, लेकिन सीधा मैं रुक कराऊंगा। अचल गोयल जी, ये कितने मत आज पड़े? हमारी तहसील बार जानसठ में कुल 135 सदस्य मतदाता के रूप में अधिकृत थे। उनमें से 133 ने अपना मत अधिकृत रूप से इस्तेमाल किया है और उसी के आधार पर अब काउंटिंग शुरू होगी। उसका वो निर्णय, क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए थे आचार संहिता वगैरह? आचार संहिता के लिए बाकायदा दिशा निर्देश निर्देशित करने के उपरांत, सभी लोगों से बातचीत करने के उपरांत निर्धारित किए गए थे नॉर्म्स, और नॉर्म्स के आधार पर मोबाइल अंदर ले जाना मना था और कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बूथ पर भीड़ इकट्ठी न होने देने के संदर्भ में हम लोगों ने बाहर के अंदर, जैसा आपने देखा है काफ़ी बड़ा हॉल है, उसमें 4 बूथ बनाए थे और चारों बूथों में पूरी प्रकाश की व्यवस्था थी और ठंड के से बचने के लिए भी चारों तरफ से बंद है हमारा हॉल। तो सारी सुविधाओं के साथ मतदाताओं को यहाँ मतदान के लिए आमंत्रित किया गया था और हमें बड़ी खुशी है कि सभी तहसील के सभी मतदाताओं ने, हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पूरे मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अनुशासन में रहते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान किस वक्त मतदान शुरू हो रहा है और परिणाम किस वक्त आने की संभावना है? सुबह 10 बजे से हमने यहाँ मतदान शुरू किया था और उसका अंतिम समय 3 बजे था और अब 3:10 हो गए हैं। ठीक 3 बजे हमने मतदान बंद कर दिया था और अब 3:30 बजे हम लोग इसकी मतगणना आरम्भ करके, और हमें अनुमान है कि 7 बजे तक हम परिणाम घोषित करने में सफल रहे। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, चुनाव अधिकारी मेरे साथ सीधे जुड़ रहे थे। मतदान हो चुका है, मतगणना पर भी पूरी मेरी नजर बनी रहेगी। रिजल्ट 7 देर शाम ही आ पाएगा। कौन बना सरताज, कौन होगा विजयी, उसकी पूरी अपडेट के लिए बना रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मलिक, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। यहाँ संपन्न हुए मतदान के अंदर 2 महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं, कविता सैनी, अंजू सैनी। उनसे भी हमारी सीधी वार्ता हुई है, आइए सुनवाते हैं कविता सैनी और मंजू सैनी ने क्या, अंजू सैनी ने क्या कहा। चुनाव के अंदर खास तौर से महिलाएं भी अपना भाग्य आजमाइश कर रही हैं और चुनाव मैदान में पूरी तरह से उतरी हुई है, जीत का दावा कर रही है। कविता सैनी जुड़ रही है जी, किस पद पर लड़ रहे हो? सचिव पद पर। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो वकीलों का चुनाव लड़ोगे फिर जीतोगे, कुछ करने का जज्बा है? हाँ बिल्कुल। इसी दौरान मेरे साथ यहाँ पर अंजू सैनी सीधा जुड़ गई हैं जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, कनिष्ठ सदस्य के पद पर। जी कैसा लग रहा है, आप चुनाव में आई हैं, बार एसोसिएशन का चुनाव है, वकीलों का चुनाव है, बहुत अहम होता है चुनाव। काफी अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस भी है हमारे लिए। तो क्या लग रहा है, जीतोगी? उम्मीद तो है। जीत का पूरी तरह से दावा कर रही हैं महिला, यहाँ पर पूरी तरह से सशक्त हैं और बार एसोसिएशन का मतदान भी उन्होंने किया है और खुद क्योंकि प्रत्याशी हैं तो वोट की अपील भी लगातार इन्होंने की है। बने रहेगा मेरे साथ। मतदान के दौरान प्रत्याशियों में कुछ झड़प भी हुई और आज भी जताया, लेकिन जब वही चुनाव अधिकारी अचल गोयल ने मामले को संभाला, और देख सकते हो तस्वीरें, जब यहां पर किसी बात को लेकर तनाव बढ़ा तो चुनाव अधिकारी अचल गोयल मौके पर पहुंचे और उन्होंने संभालते हुए मामले को संयम बरतने की बात कही और उसके साथ साथ निष्पक्ष निर्भीक चुनाव का वादा किया तथा उन्होंने व्यवस्था को संभाला।
कुल मिलाकर तहसील बार जानसठ के मतदान के अंदर जो चुनाव हुआ है, यहाँ पर अध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला हुआ है नरेंद्र दीक्षित प्रदुमन भेटवाल के भाग्य का फैसला मतपेटिका में बंद हो चुका है, जबकि सचिव पद पर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, यहाँ पर सोनी गुर्जर, भूपेंद्र नागर तथा कामरेड प्रमोद शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। रिजल्ट देर शाम तक आएगा, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बैच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।